बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तान टेस्टी फूड एंड व्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल नमकीन गोश्त। उसके लिए हमने 2 kg बकरे गोश्त लिया है चर्बी के साथ। उसको हमने एक पतीले में डाला है और इसमें अब जाएगा नमक। बहुत सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी है। इसमें नमक यूज़ करना है तो 2 tablespoons ही इसमें नमक जाएगा। या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक यूज़ करें। बस ये नमक में ही तैयार होता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है जब तक गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाएगा। अगर ज़रूरत हुई तो हम और पानी इसमें यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ ये इसी में बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएगा। ये अच्छे से मिक्स कर दिया हमें इसको, इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। जी और 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने गोश्त पकाया था। गोश्त का अपना जो पानी था वो सूख चुका है और ये ऑयल जो है चर्बी का सेपरेट हो चुका है। अब इसमें जाएगा पानी, इतना पानी हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो गोश्त अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये मोटा हड्डी वाला गोश्त है। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है ये नमकीन गोश्त की। सिर्फ इसमें नमक जाता है और कोई इसमें स्पाइस नहीं जाते। अब इसमें जाएगा पानी। बिस्मिल्लाह, पाँच गिलास तकरीबन पानी हमने यूज़ किया है इसमें। अब मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसी में ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये बकरे का है। जी व्यूअर्स, नमकीन गोश्त माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इतना आसानी से अलग हो रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह टेस्टी। ये सिर्फ नमक में तैयार हुआ है, ऑथेंटिक रेसिपी है। ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह टेस्ट इसका। कोई इसमें मसाले कुछ भी नहीं यूज़ होता। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।